तो दोस्तों, वीडियो के इंट्रो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज इस तरीके का ब्रशेस का यूज करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब करियर में भाई इस तरीके का एक्सपेंसिव ब्रशेस का यूज नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यार यूज कर रहा हूँ, तो एक्साइटेड तो मैं बहुत ही ज्यादा हूँ। मैं बहुत पहले भाई सेवलियर ब्रशेस का यूज करता था, अभी तो सेवलियर ब्रशेस यार बैंड हो चुका है, तो जितना भी है सेवलियर ब्रशेस है, लेकिन इस तरीके का ब्रशेस का यूज मैंने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार, रुको यार, मैं थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस डब्बे के अंदर चार ब्रशेस मिल जाते हैं इस तरीके का, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और इस तरीके का दोस्तों ब्रुष्टो का ब्रशेस आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और मैंने भाई सोचा था कि ब्रुष्टो का ब्रशेस ही खरीदूंगा, लेकिन मुझे भाई ये वाला पसंद आ गया है, तो इसलिए यार मैंने इसको बाय किया अभी। और दोस्तों, इसके साथ मुझे एक थैंक यू कार्ड भी मिला है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे मैसेज और कॉमेंट पे बोल रहे हैं कि प्राइजेस क्या है कॉम्पिटिशन में, तो मैं दोस्तों यही बोलूंगा आप लोगों को कि प्राइजेस के ऊपर डिपेंड करके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मत ही करो तो अच्छा है। और मुझसे भाई जितना हो सकता है मैं प्राइजेस आप लोगों को दूंगा। और मैं दोस्तों आप लोगों को हमेशा आर्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ देता हूँ गिफ्ट में, तो इस बार भी मैं आर्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ दूंगा। और मैंने दोस्तों आप लोगों को बोला था कि आउटलाइन वाला वीडियो पे अगर आप लोग 4000 लाइक्स कर देते हो तो मैं दो विनर को सिलेक्ट करूंगा, और आप लोग अगर चाहो तो भाई इस वीडियो पे भी कर सकते हो। रहा नहीं जाता। और अगर दोस्तों आप लोग कर देते हो तो आप लोगों के लिए और भी कुछ सोच सकता हूँ। तो चलो यार, हम लोगों ने जो आउटलाइन बना के रखा था उसका जो कलर है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे छोटे ब्रश का यूज करूंगा, और ब्रश का साइज जो है आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ज्वेलरी से शुरू करूंगा, और ज्वेलरी का कलर जो है आप लोग देख सकते हो येलो कलर का है, तो येलो कलर को मैं यूज करूंगा। और डार्क शेड को देने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी यूज करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैं येलो कलर को लाइट करके दे रहा हूँ, और जब भी दोस्तों आप लोग फर्स्ट लेयर को देते हो हमेशा लाइट करके कलर को देना चाहिए। अभी दोस्तों मैं यूज करूंगा थोड़ा सा ब्राउन कलर डार्क शेड्स को देने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से दे रहा हूँ। पीछे का सिंहासन जो है दोस्तों वायलेट टाइप का कलर है, तो वायलेट टाइप का कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और तो पिक्चर पे दोस्तों जिस तरीके का कलर है सेम तरीके का कलर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। यहाँ पे दोस्तों जिस जगह पे जैसा कलर दिख रहा है सेम तरीके का कलर मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग करेंगे। और दोस्तों इस सिंहासन को करने में यार बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। डिटेलिंग करने के लिए दोस्तों छोटे ब्रश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं छोटे ब्रश का यूज कर रहा हूँ। डिटेलिंग करने के बाद दोस्तों हाईलाइट को देने के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज करूंगा। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. Skin tone को देने के लिए दोस्तों मैंने use किया है red, yellow और white color का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से mix कर रहा हूँ।
स्किन टोन में दोस्तों डार्क शेड्स को देने के लिए मैंने रेड और ब्राउन कलर का यूज किया है। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. पिक्चर पे दोस्तों जिस तरीके का कलर है सेम तरीके का कलर हम लोग यहाँ पे भी करेंगे इस कलर का यूज करके। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑरेंज कलर को मैंने दे दिया है। ऑरेंज कलर को देने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज कर रहा हूँ डार्क शेड्स को देने के लिए, ताकि कपड़े का जो फोल्ड्स है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो गणपति बप्पा का जो वाहन है उसको भी कर देंगे, और नीचे एक छोटा सा हाथी भी है तो हाथी को भी दोस्तों अभी कलर कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा, और ब्रशेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। लेकिन दोस्तों ब्रशेस का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा मोटा है, मतलब कि दोस्तों आप लोग अगर छोटे पोर्शंस को ड्राइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यार प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैंने इस ब्रश का यूज करके पूरा ड्रॉइंग को बनाया है। आप लोगों के पास अगर दोस्तों स्किल है तो आप लोग इस ब्रश का यूज करके भी छोटे छोटे ड्रॉइंग्स को बना सकते हो। तो ब्रश के अंदर दोस्तों मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम लगा है, बाकी सब यार बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं भाई ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और ड्रॉइंग भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जली।